नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कम्युनिटी मार्केट के अपडेट से शुरुआत में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से, तो आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर गोल्ड $1786 पर है और सिल्वर $22 के आसपास ट्रेड करती नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है और जो गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइजेस हैं वो लगातार फ्लैट ही ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ज़्यादा उठापटक देखने को नहीं मिल रही है। और दूसरा, अब जो US का जो कंज्यूमर प्राइस डेटा निकल के सामने आया है उसमें तेजी देखने को मिली है। US के अंदर, अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है काफ़ी ज़्यादा, जिसका सपोर्ट कहीं ना कहीं सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता नज़र आ सकता है। और हम देख रहे हैं कि आज भी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो भी हरे निशान पर ट्रेड करती नज़र आ रही हैं। दूसरा, ओमिक्रॉन जब से विदेश में फैल रहा है तब से केसेस तो बड़े हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है कि ओमिक्रॉन पहले वाले जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट, उसके मुकाबले कितना खतरनाक है। अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है जिसमें पता लग पाया हो कि कितना खतरनाक है, जिसकी वजह से इस असमंजस की स्थिति में, इस अनिश्चितता के माहौल में जो सोना चांदी है वो अभी तक तेज़ी के साथ फ्लैट प्राइसेस पर ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इसी सोना चांदी ही नहीं, कम्युनिटी मार्केट में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सभी पर ओमिक्रॉन का असर है। अभी इसका इम्पैक्ट कम ही देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी बाज़ार चालू है। बात करें यहाँ से अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं WTI $72 पर है सवा एक फीसदी की तेज़ी के साथ और ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 पर सवा एक फीसदी की तेज़ी के साथ। देख रहे हैं आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कच्चे तेल का जो वायदा बाजार है वो तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। दरअसल ओमिक्रॉन का इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो डिमांड सप्लाई है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। बिजनेस अभी तक एज इट इज चल रहे हैं। अगर कुछ इम्पैक्ट आता है तभी इसका कुछ उठापटक देखने को मिलेगी, अदरवाइज बाजार ऐसा ही चलता रहेगा। तो आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन किस नॉन एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं सोना चांदी आज भी फ्लैट प्राइसेस पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, हालांकि कीमतें तेजी की ओर है। और दूसरा, US में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो प्राइस, जो कंज्यूमर प्राइस डेटा निकल के सामने आया है उसमें महंगाई दर में बढ़ोतरी ही देखने को मिली है, और हम पहले से भी वहाँ पे महंगाई दर में बढ़ोतरी देख भी रहे थे। ऐसे में आपको क्या लगता है आगे सोने चांदी की कीमतें कैसी रह सकती है? देखिए, सोने और चांदी की कीमतों में आगे तेजी का ही रुझान है। मैंने हमेशा यही बोला है कि जब भी मार्केट नीचे जाती है तो आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोने और चांदी में बाइंग की तरफ रहना चाहिए। और आप देखिए, आज भी इंटरनेशनल मार्केट्स में बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि अब $1800 तक एक बार सोना ऊपर जा सकता है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी तेजी बन सकती है, तो फिलहाल इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी, ये सरोपा जी, बात करें अगर क्रूड की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है, पहले के मुकाबले लेवल्स काफी ज्यादा अब ठीक देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे अब ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 की ओर जाता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, जब तक ओमिक्रॉन का कुछ ऐसा कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्या कच्चे तेल का बाजार तेजी की ओर चलता रहेगा? देखिए, बिल्कुल, अभी जो ओमिक्रॉन का इंपैक्ट है वो कंटिन्यूशन में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से क्रूड में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सप्लाई बढ़ाई नहीं गई है और डिमांड फैक्टर एज यूजुअल इसमें पिकअप होता हुआ अब दिखाई दे सकता है, इसलिए क्रूड के अंदर अपसाइड मोमेंटम है। और अभी मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूशन में रह सकता है और क्रूड जो है यहाँ से एक बार इसी तरीके से अगर कोई ओमिक्रॉन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अभी भी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर $75 तक के लेवल एक बार इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि अगर ओमिक्रॉन का इतना कोई खास इम्पैक्ट बनता नजर नहीं आता है, लॉकडाउन वाली स्थितियां नहीं लगती हैं, तो बिजनेस एज इट इज चलते रहेंगे और क्रूड की कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा। हालांकि ओपेक और उसके जो सहयोगी देश हैं उनका यही कहना है कि साल 2022 में कच्चे तेल की जो डिमांड और सप्लाई है वो प्री पैंडेमिक लेवल्स, यानी कि कोरोना से पहले
पूर्व जो स्तरें देखने को मिलती थी, जो डिमांड और सप्लाई देखने को मिलती थी, वो वैसी देखने को मिल सकती है। ऐसा ओपेक का कहना है कि साल 2022 में ऐसा देखने को मिलेगा। ये जरूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं बेस मेटल्स का जो बाजार है आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन मिले जुले रुझान के साथ खुलता नजर आया है। देखिए बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल में भी पॉजिटिव ही मोमेंटम है। मुझे लगता है कि आगे चल के इसमें अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। एज यूजुअल इसके अंदर तेजी का ही रुझान है, डिप के अंदर बाइंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी जी। तो यानी कि बेस मेटल्स में तेजी का ही रुझान रहेगा रूपा जी की तरफ से। आज भी रूपा जी हमेशा बेस मेटल्स में पॉजिटिव ही रही है, बेस मेटल्स में खरीदारी करके चला जा सकता है इंट्राडे के लिए भी। रूपा जी आखिरी सवाल रहेगा नॉन एग्री कम्युनिटीज में, आज वो कौन सी नॉन एग्री कम्युनिटीज रहेंगे, टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से आज, जिनमें हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अगर देखा जाए तो सोना चांदी काफी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोने और चांदी के अंदर पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है। क्रूड तेजी की तरफ जा सकता है, क्रूड भी अब यहाँ से हो सकता है कि 5600 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। तो फिलहाल सोना चांदी कच्चा तेल इनमें बाइंग करके चला जा सकता है। और एज यूजुअल बेस मेटल्स भी तेजी की तरफ है, तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में भी तेजी का रुझान आगे कंटिन्यूशन में रह सकता है। तो नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर अभी हफ्ते के पहले कारोबार दिन सभी कमोडिटीज के अंदर बाइंग बनती हुई दिखाई दे रही है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका इंजॉयगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।